देश के चौथी पास राजा कौन है? अब बता सकते सुने 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 सीधे सीधे बात जान लीजिए, ठीक है ना? सीधे सीधे बात जान लीजिए, आप भी और हम भी, अगर सुरक्षित रहना है तो मोदी है, और अगर आप बिहार में क्या सुरक्षित है, क्या सुरक्षित है? चलिए ठीक है, रश्मि यादव को ये चीज पता है कि भाषण देने में कितना बार पढ़ना पड़ता है, एक पेपर को 6 बार पढ़ता है, वो क्या बनेगा मुख्यमंत्री? मणिपुर का एक क्वेश्चन ऐसे पूछे, बीजेपी भक्त गोबर भक्त बनता है ना, इससे पूछे मणिपुर में जो लड़की के साथ दुष्व्यवहार हुआ, लड़की को नंगा नचवाया गया, किसके सरकार में? मोदी बोला कि नंगा नचाओ, सरकार किसका है भैया? बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, कटिहार में नहीं है, कटिहार में नहीं हो रहा, बेगूसराय में नहीं हो रहा। 24 में मोदी, 25 में मोदी, और जिंदा रहना है तो मोदी, और अगर रहना है तो मोदी, जिंदा रहना है तो मोदी जी, मोदी लालूगंज कर ला होता, लालू जी तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे के तुरा अधिकार दे दे तू, पिछले जो पिछला जाति से तो तुम बोलने का अधिकार दे दे तू, तो आओ बच्चा। अब मोदी जी अभी अभी है, उनके पहले कोई घटना नहीं घटा है, नहीं घटा है। जो आप बोल रहे हैं मोदी जी की देने का, आप इतना शाम के 6 बजे तक है, अगर दूसरे का राज होता आप घर में चुप के होते। हमारे देश में रेल किसके राज में बिका है? BSNL किसके राज में बिका है? एयरपोर्ट को किसके राज में बेचा गया है? LIC को किसके राज में बेचा गया है? देश में चौथी पास राजा कौन है? सिस्टम चेंज करना है, बस सिंपल मैटर, मोदी को हटाना है। और हम क्यों हटाना है? हटा दे उसको, हटाना है। मणिपुर में जो जो घटना हुआ है, क्या हुआ है मणिपुर में? क्या हुआ मणिपुर में? क्या हुआ आप जानते? क्या हुआ मणिपुर? अरे भाई आप बताइए ना, सिर्फ ऐसे ही मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर क्या हुआ? चुप रहिए। अरे भाई जानकारी है, जानकारी है। सुनिए सुनिए सुनिए, मोदी 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 जी जब थे, मोदी जी अभी अभी हैं, उनके पहले कोई घटना नहीं घटा है, नहीं घटा है। जो आप बोल रहे हैं मोदी जी की देने का, आप इतना शाम के 6 बजे तक है, अगर दूसरे का राज होता आप घर में चुप के होते। मोदी जी देश बदल रहे, बात खत्म है, आपस में लड़े नहीं, ये बताइए क्या करके बात, नॉर्मली बात करते हैं, आपस में लड़े ये पहले हम भी आप एक एक करके, एक एक कर इन दोनों के बाद में आप मत बोलिए, आप ही बोलिएगा, आप ही को बोलने का टाइम देंगे। अगर सुरक्षा रहना है तो मोदी, अगर मणिपुर में सुरक्षा है, यही मणिपुर में सुरक्षा है, बिहार में चला गया नजर आया, बिहार में नजर आया, कितना का फूल टूटा याद है? सुने सुने, हम बिहार में है या मणिपुर में है? बिहार में है। बिहार में क्या घटना हो रही है आपको पता? हम बिहार में है या मणिपुर में है? बिहार में है। बिहार में हमको कहाँ से रोजी निकलेगा? बिहार में क्या हमको कहाँ से रोजी निकलेगा? हमारे देश में रेल किसके राज में बिका है? BSNL किसके राज में बिका है? एयरपोर्ट को किसके राज में बेचा गया है? LIC को किसके राज में बेचा गया है? देश में चौथी पास राजा कौन है? पहले भारत को कौन जानता था? जब मोदी आए तो भारत ऐसे अल्लाह मत कीजिए, इधर आइए, इनकी बातों को सुनिए। चौथी पास राजा कौन है? देश के चौथी पास राजा कौन है? अब बता सकते सुने 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 सीधे सीधे बात जान लीजिए, ठीक है ना? सीधे सीधे बात जान लीजिए, आप भी और हम भी, अगर सुरक्षित रहना है तो मोदी है, और अगर आप बिहार में क्या सुरक्षित है? क्या सुरक्षित? चलिए ठीक है, बिहार पे आते, बिहार पे आते, मणिपुर में तो ठीक है जी, भारत के लिए सिर्फ है कि पूरे बिहार के लिए भी है, पूरे बिहार के लिए मोदी का कहानी खत्म, मोदी का कहानी खत्म, बाय मोदी, बाय बाय, होना तो मोदी का, होना तो मोदी का 10 साल में। चलिए यहाँ पे सभी लोग बिहार के हैं, सभी लोग बिहार के हैं, बिहार के हैं, बिहार के हैं, सुनिए बिहार के हैं। चलिए हम बात करेंगे, 15 साल लालू राबड़ी राज, 17 साल नीतीश कुमार का राज, अब बात करेंगे कि बिहार का अगला अच्छा मुख्यमंत्री कौन, जो बिहार को अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, विकसित बना सके? यादव क्यों? तेजस्वी सारा मुद्दा पे काम कर रहा है, सारा मुद्दा पे, रोटी कपड़ा मकान जो देगा, जो जो पब्लिक के आम जनता के बारे में सोचेगा उसी को कौन बोल रही है? तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव को ये चीज पता है कि भाषण देने में कितना बार पढ़ना पड़ता है, एक पेपर को 6 बार पढ़ता है, वो क्या बनेगा मुख्यमंत्री? मोदी जी जैसे देखते हैं लैपटॉप में, देखिए उसे भाषण नहीं, मोदी जी जैसे लैपटॉप में नहीं,
क्लियर हो गया है 2024 में मोदी, 25 में मोदी, और जिंदा रहना है तो मोदी, और अगर रहना है तो मोदी, जिंदा रहना है तो मोदी जी। मोदी बात कर रहे हैं आप, तो अंधभक्ति वाली बात कर रहे हैं। मोदी भक्त मोदी है, ये तो दम अंधभक्त है, दम अंधभक्त। मोदी जी को भाषण देने आता है, बोलते हैं उनका तो मस्त ऐसे कह रहे हैं जबरदस्ती। छोड़िए सब, चुप रहिए थोड़ा सा, एक मिनट सब चुप रहिए। हां नेता जी बोलिए, आप कान सुनिए भैया, पैसा मत कीजिए। गरीब के सर ऊंचा कौन किया? मालूम शांत हो जाइए, अब गा रहे हैं सुन लोग की कौन नेता अच्छा है, सुनिए ना एक मिनट क्या कह रहे हैं। वो तो लालू का नाम ले रहे, लालू कौन जी कर रहा होता, लालू कौन जी कर रहा, लालू जी तो यहाँ प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे के तुरा अधिकार दे दे तू, पिछले तो पिछला जाति से तो तू बोले के अधिकार दे दे तू, तो आओ अब ये लालू जी कहीं करते हैं, लालू जी सही रहते हैं तो इतना जल 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 नहीं सकते, ठीक है, बुहारी में जल नहीं काटते। एक मिनट, हमारे इकोनॉमी का किताब में लिखा हुआ कि जब तक नौवीं फेल को मुख्यमंत्री बना दिया, नौवीं फेल है, नौवीं फेल है, इतना अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, दसवीं याद हो। देश की जनता इस बार अच्छे से समझ गई है, बाकावे बिहार की बात करो, कोई भी नेता सुनिए, कोई भी नेता ठीक नहीं है। अब कहते हैं कैसे ठीक नहीं है, न कांग्रेस ठीक, न बीजेपी, कोई भी नेता नहीं ठीक है, कैसे बताते हैं। सुनिए क्योंकि सब नेता मिलकर एक रुपया बराबर, एक डॉलर बराबर 82 रुपया किया है, इसीलिए कोई नेता नहीं ठीक है। दूसरी बात, जितना स्विच बैंक में 1,000,00,000 रुपया रखा हुआ है वो सब नेता का रखा हुआ है, इसीलिए कोई नेता ठीक नहीं है। जब तक की व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा जब तक कुछ होने वाला ना है। और सुनिए व्यवस्था, सुनिए एक मिनट सुनिए, एलआईसी पर क्यों प्रतिबंध लगाया अमित शाह, आपको पता है, क्योंकि वो भी भागने वाला था, अगर ऐसा प्रतिबंध नहीं लगाते तो फिर भी बिहार के लोग, व्यवस्था परिवर्तन के सिवा कुछ नहीं। आपका बात सबको सुन लिया, ठीक ना, हम सीधा बात बोलते हैं, अगर सही आपका कहना है जिंदा रहना है तो मोदी, मोदी जिंदा, पहले सुनिए, पहले सुनिए, कर्ज है इनसे, देश पर इससे पहले देश पे कर्जा नहीं था, इससे पहले देश पे कर्जा नहीं था, कितना था अभी कितना, पिछले पहले कांग्रेस पहले बिहार पे, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कोई भी होंगे बीजेपी कैंडिडेट होंगे, कौन नाम, सम्राट चौधरी, अगर हुए तो सम्राट चौधरी बने होंगे, क्यों, क्योंकि देख, हेलो हेलो भैया, हम आएंगे आपके पास, नोमा फेल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं, कौन है नोमा फेल, नोमा फेल नहीं बन सकते हैं, कौन है नोमा फेल, सम्राट चौधरी जी को पहले बोल लिया था, ये प्रधानमंत्री और की मुख्यमंत्री घोषित करेंगे, क्या हो रहा है, सम्राट चौधरी को बोलने आता है। एक मिनट सर, आप सबका सुन लिए, अब दो मिनट हमको, बिल्कुल ये क्या बोले, नोमा फेल, नोमा फेल कौन है, कौन है, कौन है बताओ ना, मणिपुर का एक बार ऐसे पूछे, बीजेपी भक्त गोबर भक्त बनता है ना, इससे पूछा, मणिपुर में, मणिपुर में जो लड़की के साथ दुष्व्यवहार हुआ, लड़की को नंगा नचवाया गया, किसके सरकार में, मोदी बोला कि नंगा नचाओ, सरकार किसका है भैया, बिहार में नहीं है, बिहार में नहीं है, का बिहार में नहीं है, का बिहार में नहीं हो रहा, बेगूसराय में हो रहा, एक मिनट सुनिए भैया, सुनो पहले पहले, मणिपुर का जवाब बेगूसराय नहीं हो सकता है, बेगूसराय एक अलग घटना है, मणिपुर एक अलग घटना है, मणिपुर का हिसाब मोदी जी देगा, मणिपुर का हिसाब मोदी जी देंगे, सुनिए आप, सुनिए बोल देना, मणिपुर में लड़की को नंगा नचाया जा रहा है, ठीक है आपका, ठीक है आपका, हो गया ना, बिहार में बेगूसराय में नंगा हो रहा है, बिहार, बिहार का जवाब मणिपुर नहीं हो सकता, बिहार का जवाब मणिपुर नहीं हो सकता, नहीं भैया, बिहार का जवाब मणिपुर नहीं हो सकता है, फिर सुनिए, हम कहाँ जी खा रहे हैं, हम अभी कहाँ पे, मणिपुर भारत में नहीं है, मणिपुर भारत, भारत का प्रधानमंत्री बनाने में बिहार के लोगों का योगदान है, अरे आप लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सब लोग सुनिए, नहीं पहले किसे क्या पूछा जाए, हम पूछेंगे, शांत होइए भैया, निकलिए आप, शांत शांत होइए, नहीं तो खड़े रहिए, शांत होकर खड़े रहिए, शांत होकर खड़े रहिए, हम खुद आएंगे, शांत होकर खड़े रहिए, शांत होकर इधर आइए, मणिपुर कहाँ का हिस्सा है, मणिपुर भारत का हिस्सा, भारत के प्रधानमंत्री बनाने में बिहार के लोगों का योगदान होता है कि नहीं, जरूर है होता है, तो मणिपुर के बारे में बात करने से हम क्यों कतराएंगे,
मणिपुर उत्तर प्रदेश में कुछ अच्छा होता है तो बिहार के लोग ही ढोल पीटते हैं कि भैया योगी जी अच्छा किए। जब मणिपुर में कुछ गलत होता है तो मणिपुर में बीजेपी का मुख्यमंत्री तो वहाँ के बारे में क्यों नहीं बोलिएगा? मणिपुर का कहानी चल रहा है ना, मणिपुर का ये तो ठीक है, मणिपुर में तो कहानी जो होगा होना था हो गया, ठीक है ना। अगर ये घटना बिहार में होता ना, सुनिए पहले उसके ऊपर सरकार एक्शन ना लेता ना, मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगेगा। 36 सेकंड मोदी जी भाषण दिए, 36 सेकंड दे दिए। बिहार में होता तो बिहार के मुख्यमंत्री का जो है रिजाइन मांगा जाता हमारे, बिहार में ये घटना होता तो बिहार के मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगा जाता, ये लोग नंगा राज करते। बिहार में ऐसा होता तो मुख्यमंत्री जी का रिजाइन नहीं मांगा जाता है और ना रिजाइन देते हैं। तो एक छोटा घटना होता है तो इसका जवाब हम दे रहे हैं। डाक बंगला चौड़ा है ना, मुख्यमंत्री है इधर, डाक बंगला चौड़ा है, लड़ाई नहीं लड़ना, लड़ाई नहीं लड़ना है, आराम से प्यार से। कुछ दिन पहले शिक्षा पे बीजेपी के कार्यकर्ता पे लाठी चला ना, तेजस्वी यादव का क्यों शपथ मांगा गया? तो उसको हटा दीजिए, पद से हटा दीजिए, गिरा दीजिए, लाठी चार्ज किया। उनके ऊपर FIR है, उनके ऊपर FIR है, चार्ज शीटेड है। मोदी जी गैस का दाम बढ़ा दिए, बैंक बेच दिए, रेलवे बेच दिए, सब बर्दाश्त किए, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन मणिपुर का जो घटना है, मणिपुर का घटना में 2024 में मोदी जी को दिखा देंगे। क्या दिखा दीजिए? दिखा देंगे 2024 में मोदी जी को उसका औकात दिखा देंगे। क्या हो, हमारी देश की जनता की इज्जत संग्राम लूटा जा रहा है, वहाँ की बीजेपी की सरकार वहाँ से। चलिए ठीक है, इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।